अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जहांज़ेब अमीर और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे और कुछ तो घर बैठ गए हैं बिल्कुल कि अब हम अगली क्लासों में प्रमोट हो जाएंगे। तो वो अपनी ये गलतफहमी बिल्कुल दूर कर लें, क्योंकि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स, इंटर के एग्ज़ाम्स होंगे और इस हवाले से आज एक अखबार में ख़बर भी छाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें कि बग़ैर इम्तिहानात उम्मीदवारों को अगली क्लासेस में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात तालीमी बोर्ड, ये डेरा गाजी खान बोर्ड के हवाले से इसने बताया। इसी तरह तमाम जो हमारे पास बोर्ड्स की इंफॉर्मेशन हम तक पहुँच रही है वो भी यही है कि अभी फ़िलहाल किसी क्लासेस को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर, जैसे हालात होंगे उसी के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। अभी तक एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जो हम एक एक दिन में दो दो एग्ज़ाम्स लेके स्टूडेंट्स को अगले क्लासेस में प्रमोट करेंगे। इस हवाले से आज एक सिंध से भी खबर आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कोरोना वायरस के जल्द खात्मे ख़त्म होने और हालात मामूल पर आते ही 1 मई से मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तहान शुरू करने का इंदिया दे दिया है। तमाम इस पर अमल दरामद सूबाई और वफाकी हुकूमत की मुशाफरत से किया जाएगा। और इस हवाले से महकमा तालीम के एक आला अफसर ने एक्सप्रेस न्यूज़ को बताया कि अगर 20 अप्रैल तक हालात मामूल पर आ गए तो 1 मई से मैट्रिक और इंटर के इम्तहान का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें रोज़ाना 2 पर्चे, मतलब एक दिन में 2 पेपर होंगे। अगर हालात इसी तरह बरकरार रहे और 15 जून तक मामूल पर नहीं आते तो फिर 9वीं और 11वीं में ज़ेर तालीम तमाम बच्चों को एक ख़ास तनासब से नंबर दे के फिर पास कर दिया जाएगा। मतलब अभी तक जो इतलात हैं वो बिल्कुल भी अगली क्लासेस में ट्रांसफ़र करने की कोई भी अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। अभी तक यही है कि अगर हालात बेहतर होते हैं तो एक एक दिन में 2-2 पेपर लेके स्टूडेंट्स को अगली क्लास में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अपनी ये बिल्कुल भी सुस्ती छोड़ दें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, घर बैठकर अपनी तालीम मुकम्मल करें। आपके एक दिन में 2 पेपर हो सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें और ये फेक न्यूज़ पर बिल्कुल भी आप फोकस ना करें तो बेहतर होगा। शुक्रिया।